सीधा लिए चलते देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। यात्री आएंगे, इतने सारे पर्यटक आएंगे, वो सब ठीक प्रकार से जाए, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि अतिथि देवो भव। और जब हम इस हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, हमारे को अन्य प्रकार का फायदा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए चुनौती भी है कि वो आए हैं तो यहां से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं, एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, क्योंकि हमारा राज्य ये पर्यटन आधारित राज्य है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं, और वो हर मंच से कहते हैं तो उनकी सोच तो है ही है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हम सब लोगों के ऊपर है, हर एक उत्तराखंड वासी के ऊपर है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और ये दशक बनाने का काम ये हम सब लोग करेंगे हर क्षेत्र में। उन्होंने, मुझे याद है, 5 नवंबर 2021 को भगवान केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, और उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक आज तक उत्तराखंड के अंदर आए हैं, उस डेट तक आए हैं 5 नवंबर 2021 तक, उन्होंने कहा आने वाले दशक में इससे कई गुना ज्यादा पर्यटक और ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आएंगे। तो निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी हर प्रकार से है कि हम कैसे उनका आतिथ्य करें, कैसे उनको सुविधाएं दें। जहां तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से हम लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक करी, उसमें मैं भी था, माननीय महाराज जी भी थे, हमारे सारे अधिकारीगण थे। उसमें हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है कि उनको आने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको जाने की अच्छी व्यवस्था हो, परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो, रहने के लिए अच्छे होटल मिल जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, अच्छी सड़क मिल जाए, पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, हमारी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो। तो सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पुलिस विभाग के लोगों को भी कहा कि पुलिस विभाग भी, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, कई बार लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं, ऐसे समय में पुलिस का काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ की जो मित्र पुलिस है उसको सही मायने में मित्र पुलिस का भी काम करना होगा। उन सभी को हमने कहा है कि जो जिस विभाग का भी है उसकी अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराज जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा, और महाराज जी तो हमारे ज्ञाता भी हैं, विद्वान भी हैं, अब उनकी तरह तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं थोड़ा जो मुझे लगता है, जैसे क्या है, अब हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ के व्यंजन है, चैसू है, हमारे यहाँ पर झोली भात है, जानते हैं झोली भात सब लोग, डुबुक है, क्यों भाई जी आप खुश नहीं हो रहे, डुबके बोलते हैं, कोदा है, झिंगोरा है, उसकी अलग अलग जो हमारे यहाँ के बहुत सारे व्यंजन है। अब हमारे होटल वाले लोग उनको प्रमोट ही नहीं करते। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, महाराज जी मंत्री हैं, विनोद भाई हमारे, विनोद दा हमारे जो है यहाँ पर विधायक हैं या यहाँ के नेता हैं, या दिलीप जावलकर जी सेक्रेटरी हैं, ये प्रश्न हमारा भी है सबका, इसका उत्तर भी हम ही सब लोगों को मिलकर खोजना होगा। यानी कि मैं मंच से बोल रहा हूं तो ये प्रश्न मेरा है, ये प्रश्न हम सबका है।
कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं, हम इसको प्रमोट करने की बात करते हैं, और जब राज्य हमारा बन रहा था, मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि इसके मूल में था कि हमारा पर्यटन बढ़ना चाहिए, पर्यटन आधारित हमारा हमारी आजीविका होगी, पर्यटन ही हमारा राजस्व की प्राप्ति का बड़ा साधन होगा। तो हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बहुत इसका दर्द जरूर होना चाहिए। देखिए, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का अपना जो काम वो चलता है, लेकिन बिना समाज के सहयोग के, सबकी सहभागिता से, सबके समन्वय से और सबके साथ से ही काम सिद्धि तक पहुंचता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका ध्येय वाक्य है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और साथ में गुप्ता जी, सबका प्रयास। तो हम सभी का प्रयास होगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे, तभी ये आने वाला समय उत्तराखंड का दशक होगा। और हमारी जब रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे 2025 में, तब हम हर दृष्टि से हम उत्तराखंड हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, और हमने जो कहा है विकल्प रहित संकल्प, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे अभी आज से कुछ दिनों, 2-3 दिन पहले एक शिष्टमंडल मिला था, तो वो हमें कह रहे थे कि हमने कहा कि आपने पिछले सालों में जो है यहाँ पर कम निवेश किया, हमारे यहाँ पर सबमिट हुई, वो सबमिट होने के बाद अभी और ज़्यादा हमको जो है यहाँ पर निवेश की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि बीच में कोरोना महामारी भी आ गई थी और थोड़ा सड़कों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी आज से कुछ साल पहले, और आज मैंने कहा आज, तो उन्होंने कहा आज तो बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं, आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो 3.5 से 4 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, और आने वाले समय में ये जो दूरी है दिल्ली से देहरादून की, ये मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। आप सबकी जानकारी में है एलिवेटेड रोड बन रहा है यहां पर, तो आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में दूरी पूरी की जाएगी। और मैं अभी गोवा सरकार के शपथ ग्रहण में गोवा गया था, तो गोवा से लौटते समय मैं भारत सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं आरणी गडकरी जी, उन्हीं के साथ लौटकर आया, एक कार्यक्रम में वो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा था कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय की जाएगी, तो जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात को दोहराया वहां पर, बोले पुष्कर भाई आप जो है उस दिन वहां कह रहे थे और सही में, बोले पुणे से नागपुर और पुणे से बंबई के जो जहाज है वो फ्लाइटें बहुत कम हो गई हैं वहां पर, और आपके यहाँ बिल्कुल दिल्ली से देहरादून जो है बंद ही हो जाएगा ये सड़क जब एलिवेटेड बन जाएगी। क्योंकि आप देखिए, अगर जहाज पकड़ने यहां से जाएंगे तो आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, 1 घंटे की आप पूरी मान लीजिए कि 45 मिनट वो बोलते हैं, लेकिन निकलते निकलते वो 1 घंटा लग जाता है, और लगभग 40-30 मिनट जो है वो सामान लेने में लग जाते हैं, कितना हो गया, फिर 1 घंटा आपको कम से कम वहां जाने में लगेगा जहां आपको जाना है, कम से कम कह रहा हूं, तो सब मिला के कितने घंटे हो गए, 4.5। और जब 2 घंटे में आप सड़क से पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी भी होगी, आपको कहीं सामान भी नहीं उतारना है, अपनी सुविधा से 2 लोग बैठा लिए, 3 लोग बैठा लिए, 4 लोग बैठा लिए, तो आप सड़क से जाएंगे, आप यहां से हरिद्वार चले जाइए, अभी देखिए हरिद्वार जाने वाली सड़क कितनी बढ़िया हो गई है, आने वाले समय में आपको एयरपोर्ट भी जाने के लिए जो है बहुत बढ़िया सड़क मिलने वाली है, वो भी एलिवेटेड रोड पूरी पास हो गई है ऋषिकेश से देहरादून वो डोई वाला। इसी प्रकार से आप हरिद्वार से आगे जाएंगे, आपको उधर काशीपुर की तरफ जाना है,
तो वो दूरी भी आज जो हरिद्वार से काशीपुर तक हम लगभग 2.5 घंटे में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी पूरी रोड नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में वो रोड भी जो है हमको 1 ही घंटे में पहुंचा देगी, 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि नजीबाबाद से सीधे आपका अफजलगढ़ का सीधा रोड बनने जा रहा है, वो रोड भी हमारा स्वीकृत हो गया है। आप किसी कोने में चले जाइए, आप देखिए चार धाम को जाने वाली सड़क बहुत तेजी से बन रहे हैं, अभी तक उसमें कुछ रोक लगी हुई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए थे, सरकार ने उसकी पैरवी करी, हम लोगों ने उसकी पैरवी करी, वो रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा, जो भी बाधा थी वो बाधाएं समाप्त हो गई हैं और सड़क का काम तेजी से हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से बन रही है, इसके अलावा कुछ नई लाइनें भी हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव किया है कि वो हमको मिल जाए, नई ट्रेनें मिल जाएँ, देहरादून से हरिद्वार जो है हमारा चौड़ीकरण हो जाए, यानी कि डबल लेन बन जाए। कुमाऊं क्षेत्र में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमको 29 करोड़ रुपया भी मिल गया है, जल्दी वो भी जो है